हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे रसमलाई की रेसिपी। इसे बनाना बेहद ही आसान है और ये देखिए कितनी सॉफ्ट और स्पंजी बनी है। और अगर आप मेरे बताए हुए टिप्स और ट्रिक्स से बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया बनेगी। आइए रेसिपी को अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पतीले में 1 लीटर दूध लिया है। दूध को एक उबाल आने देंगे और उबाल आने के बाद 1 से 2 मिनट ठंडा करने के बाद इसमें डालेंगे हम जो है नींबू का रस। नींबू का रस यहाँ पर मैंने 1 से 2 चम्मच लिया है। और अगर आप विनेगर ऐड कर रहे हैं तो 1 से 2 चम्मच विनेगर में आप थोड़ा सा पानी ऐड करिए और इसमें डालिए, वो भी थोड़ा थोड़ा करके। और अब देखिए छेना और पानी अलग अलग हो गया है। और अब हम इसे निकाल लेते हैं मलमल के कपड़े में और इसमें डालेंगे 2 से 3 गिलास ठंडा पानी। जो ठंडा पानी डालने से जो नींबू की खटास है वो भी बिल्कुल अलग हो जाती है, तो इसे डालना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसे अच्छे से निचोड़कर एक साइड में ऐसे ही टांग देते हैं ताकि जो पानी है वो बिल्कुल निकल जाए और हमारा छेना बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। और इसी के साथ हम बनाएंगे रबड़ी। रबड़ी बनाने के लिए मैंने एक पैन में 1 लीटर दूध लिया है और दूध को हम 10 मिनट के लिए उबालेंगे लो से मीडियम फ्लेम पर। और उसी के साथ ही मैंने लिए हैं 8 से 10 बादाम और कुछ काजू जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था और इसे डाल दिया है इसमें। आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट इसमें यूज़ कर सकते हैं जो आपके पसंद का है। इसमें आप पिस्ता, काजू, किशमिश कुछ भी डाल सकते हैं आप अपने हिसाब से। और जो मलाई है उसे साइड से निकालते रहना है। अगर आप स्टील के बर्तन का यूज़ कर रहे हैं तो जो मलाई है आप एंड में भी निकाल सकते हैं ताकि जो आपकी रबड़ी बनेगी वो बिल्कुल लच्छेदार रबड़ी बनेगी। तो मेरा बर्तन नॉन स्टिकी है तो इसलिए मैं साथ के साथ ही निकाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप बाद में भी इसको रिमूव कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट जो पकाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी की मात्रा को आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं इसमें डालूंगी 1/2 बाउल के करीब चीनी। और अब हम इसे ऐसे ही 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। और जो फ्लेम है उसे लो से मीडियम के बीच में ही रखना है और साइडों से जो मलाई है उसे निकालते हुए जाएंगे। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा रंग, जो मैंने केसरी रंग का यूज़ किया है। सिर्फ 2 पिंच हमें इसमें केसरी रंग का यूज़ करना है। अगर आप चाहें तो इसमें केसर के धागे भी डाल सकते हैं और बिल्कुल जो रंग है उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। वैसे तो रंग डालना इसमें ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं क्योंकि ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हो सकता है। तो अब हम इसे अच्छे से पकाएंगे। रबड़ी बनाते हुए मुझे 1/2 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है और जो रबड़ी हमारी बिल्कुल थिक होनी शुरू हो गई है। ये देखिए दूध कितना गाढ़ा हो गया है और जो मैंने मलाई है उसे साथ के साथ रिमूव कर रही हूँ। अभी हम इसे 10 से 15 मिनट और पकाएंगे लो से मीडियम फ्लेम पर। इसमें रसमलाई में जो रबड़ी है वो थोड़ी लिक्विडी होती है इसलिए हम उसे बहुत ज़्यादा थिक नहीं करते, गाढ़ी नहीं करते। ये देखिए अब हमारी जो रबड़ी है बिल्कुल ठीक होनी शुरू हो गई है और जो मलाई है कितनी गाढ़ी हो रही है साइड में। और इसको मैं रिमूव करते हुए जा रही हूँ। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो फ्लेम है वो लो से मीडियम के बीच में ही रखना है। हाई फ्लेम पर रबड़ी है जो वो जल जाती है और अच्छे से बन नहीं पाती। तो अब हमारी जो रबड़ी है रसमलाई के लिए वो तैयार हो गई है। ये देखिए टेक्स्चर इसका कितना गाढ़ा है। अगर आप चाहें तो इसे थोड़ी गाढ़ी और कर सकते हैं पर रसमलाई के लिए इतनी लिक्विडी सही रहेगी। और अब हम जो फ्लेम है उसको बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं साइड में। आइए चाशनी बनाने की तैयारी करते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने ली है एक बड़ी कढ़ाई, आप कोई भी बड़ा बर्तन यूज़ कर सकते हैं। उसमें मैंने डाले हैं 2 बड़े बाउल चीनी के और जिस बाउल से मैंने चीनी डाली है उसी बाउल से हम डालेंगे 7 बाउल पानी के। ये मेज़रमेंट बहुत ज़रूरी है, कई बार हम कम पानी का यूज़ कर लेते हैं जिससे रसगुल्ले अच्छे से पक नहीं पाते, वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं, तो ये मेज़रमेंट बहुत ज़रूरी है। तो अब हम इसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं लो से मीडियम फ्लेम पर। और अब हम जो है छेना भी तैयार हो गया है, छेने से हम बनाते हैं रसगुल्ले। छेना को है अच्छे से बीट करना है हमें, बहुत ज़्यादा
प्रेशर देकर उसको बीट नहीं करना है, नहीं तो जो पनीर से जो तेल अलग हो जाता है जिससे हमारे रसगुल्ले अच्छे नहीं बन पाते। और इसमें डालेंगे एक चम्मच के करीब कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद इसको अच्छे से हम जो है बीट करेंगे। हमें बिल्कुल टेक्स्चर इसका स्मूथ चाहिए, तो इसे अच्छे से हम मलेंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशर देकर इसको बीट नहीं करना। ये देखिए बहुत ही स्मूथ हाथों से मैं कर रही हूँ। पनीर को बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना है। ये देखिए पनीर सॉफ्ट हो गया है, 3 से 4 मिनट मैंने इसे बीट किया है। और इसके हम पीसेस कर लेंगे। और अब एक पीस उठाकर उसे हल्के हाथों से गोल गोल करते हुए एक तो हल्का सा प्रेशर देना है हथेलियों से, जिससे जो है रसगुल्ला बिल्कुल गोल शेप में आ जाएगा। ये देखिए बिल्कुल रसमलाई वाली रसमलाई जैसा इसे हमें शेप देनी है। बिल्कुल गोल करते हुए हल्का सा प्रेशर देना है और ऐसे हम जो है सारे रसमलाई के रसगुल्ले तैयार कर लेंगे। और इसे डालेंगे अब हम चाशनी में। 10 से 15 मिनट हो चुके थे, जो चाशनी हमारी रेडी हो गई है। और इसमें डाल देंगे हम सारे जो रसगुल्ले। और रसगुल्ले डालने के बाद हम इसे 15 से 20 मिनट लो से मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और जो हमारे रसमलाई के रसगुल्ले हैं देखिए कितने बड़े हो गए हैं। और इनको प्रॉपर जो है स्पेस मिली थी इसलिए ये इतने बड़े हुए हैं। इसलिए जब भी रसगुल्ले या रसमलाई बनानी हो तो खुले बर्तन का यूज़ करना चाहिए। अब हम जो फ्लेम है उसको बंद कर देंगे और उसको 10 मिनट के लिए रसगुल्लों को ऐसे ही छोड़ देंगे। सिर्फ 10 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा देर के लिए ऐसे नहीं छोड़ेंगे। 10 मिनट पूरे होने के बाद हम इसको डालेंगे बर्फ़ के जो क्यूब्स के ऊपर रखेंगे, ताकि जो हमारे रसगुल्ले हैं उनकी शेप ऐसी ही रहे और वो बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो जाए। तो ये बर्फ़ के पानी में डालना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए कितनी सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं। 2 से 3 मिनट ऐसा करने के बाद इसे हम डाल देंगे अब जो रसमलाई में। और रसमलाई में डालने के बाद कम से कम इसे 3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ना है, ताकि जो रसगुल्ले हैं वो रसमलाई को अच्छे से ऑब्जॉर्व कर लें, मिक्स हो जाए। ये देखिए 2 से 3 घंटे के बाद ये देखिए कितनी बढ़िया रसमलाई तैयार हुई है। आप भी बनाइए और मुझे बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।